हेलो एंड वेलकम गाइस व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम फेसबुक पर इनविजिबल नेम अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। ये जो इनविजिबल फेसबुक अकाउंट होगा वो यूनिवर्सली इनविजिबल होगा ऑफिशियल ऐप पर, फेसबुक लाइव पर और ब्राउजर पर। तो ये कैसे पॉसिबल है ये आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके व्यूअर्स, तो आप लोगों ने आ जाना है अपने फेसबुक के ऐप पर और उस अकाउंट से लॉगिन हो जाना है जिसको आप इनविजिबल नेम करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास शाहवीर खान है, तो ये हम रिमूव करेंगे। तो आप लोगों ने राइट टॉप पर ये थ्री लाइंस पर टैप करके सेटिंग्स पर चले जाना है, उसके बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर चले जाना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। सही है जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर टैप करने के बाद आप लोगों ने चले जाना है नेम पर। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आपका नेम पर लिमिट नहीं लगा 60 डेज का, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर टेम्पररी एक आरजी नेम चेंज कर लेंगे कि लिमिट लग जाए 60 डेज का। तो हम शाहवीर खान से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, शाहवीर खान कर लेते हैं। और यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, पासवर्ड दे लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये अगर आपका लिमिट लगा हुआ है तो इस स्टेप की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हम बैक चले जाते हैं, हमारे अपडेट नेम पर लिमिट लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो निक नेम है वो भी ऐड करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, निक नेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम अब्बास खान डालेंगे एज अ निक नेम, क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो ये हमारा हो गया शेयर टॉप ऑफ प्रोफाइल, तो निक नेम हमारा ऐड हो गया अब्बास खान। अब हम बैक चले जाते हैं, और यहाँ से बैक जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एक स्क्रीनशॉट। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में अब्बास खान एज अ निक नेम लग चुका है। सही है जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके हम लोग चले जाएंगे सेटिंग्स पर, दोबारा उसी जगह पर। ठीक है जी, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर टैप कर लेते हैं दोबारा, और चले जाते हैं यहाँ नेम पर, नेम पर चले जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिमिट लग चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं लर्न मोर पर चले जाएंगे, और जो फॉर्म होता है तो वो हम फिल करेंगे और अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजेंगे। सही है जी, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और वेट कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर्म आ जाए। सही है जी, तो ये फॉर्म हमारा आ गया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, तो व्यूवर्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एम स्मॉल आर कैपिटल डॉट ए स्मॉल और डबल बी ए एस कैपिटल, यानी जो निकनेम है अब्बास खान था उसका अब्बास ए स्मॉल और डबल बी ए एस कैपिटल। इसी तरह मिडल नेम खाली छोड़ देना है, और लास्ट नेम में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने के स्मॉल एच ए एन कैपिटल और स्पेस ए डॉट ए कर लेना है। सही है जी, और आप लोगों ने रीज़न जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक सेलेक्ट कर लेनी है, और स्क्रीनशॉट आप लोगों ने हमने जो लिया था वो आप लोगों ने यहाँ से ऐड कर लेना है। तो यही आप लोगों ने करना है, जो भी आपका नेम हो उसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है जी, जैसे एम स्मॉल आर कैपिटल डॉट ए स्मॉल डॉट बी एस कैपिटल, इसी तरह के स्मॉल एच ए एन कैपिटल और स्पेस ए डॉट ए, और उसके बाद आप लोगों ने इस फॉर्म को सबमिट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे कि हमें क्या आ जाए, जो रिप्लाई है फेसबुक का वो रिसीव हो जाए, तभी हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो फेसबुक के रिप्लाई का हम वेट करेंगे, और जो ही हमें रिप्लाई आ जाए तो कंटिन्यू करेंगे। तो व्यूअर्स हमें रिप्लाई आ गया है। अब आप देख सकते हैं ये मेल, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मेल आया है हमें। सही है जी,
तो हमारा नेम अपडेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह आप लोगों ने फॉलो करना है। तो हम चले जाते हैं अपने ऑफिशियल ऐप पर आ जाते हैं और उस अकाउंट से हम लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि हम लॉग आउट हो चुके होंगे ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पर आ जाते हैं और क्या कर लेते हैं, हम दोबारा लॉगिन हो जाते हैं। मैंने सेव किया है तो यही आईडी है जो कि पासवर्ड के बगैर मैं लॉगिन हो जाऊंगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने ये लॉगिन हो जाए, आप लोगों ने डोंट अपडेट पर टैप कर लेना है। सही है जी, अपडेट नेम पर नहीं जाना, डोंट अपडेट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। और नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था वो हम दोबारा ऐड कर लेंगे। सही है जी। और जो हमारा फर्स्ट टाइम है, यहाँ पर जो इनविजिबल सिंबल है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और जो मिडल नेम है वो आप लोगों ने खाली छोड़ लेना है। और जो लास्ट नेम है वो आप लोगों ने, जो निक नेम था हमारा अब्बास खान आपके केस में जो भी हो, वो आप लोगों ने लास्ट नेम में लिख लेना है। तो अब्बास खान हमने लिख लिया, सेव कर लेंगे। ठीक है जी, और इसको सबमिट कर लेंगे। तो वेट कर लेते हैं कि सेंड हो जाए। तो इसी तरह आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यहाँ से हम लॉग आउट हो जाएंगे और अब हम दोबारा फेसबुक के रिप्लाई का हम वेट करेंगे। तो हम लॉग आउट हो जाते हैं और वेट करेंगे कि हमें फेसबुक का रिप्लाई मिल जाए, तभी हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आप लोगों ने बोर नहीं होना। ओके जी, तो अब हम क्या करते हैं, हमें फेसबुक का रिप्लाई आ गया है। मेल आपको मैं दिखा लेता हूँ, ये आप देख लें, हमें मेल आ चुका है। और अब हमारा जो नेम है वो अपडेट इनविजिबल नेम बन चुका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेम, हाय और कोई नाम नहीं है। तो आ जाते हैं अपने फेसबुक के ऐप पर। ठीक है जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लॉग आउट हो चुके हैं। तो लॉगिन हो जाते हैं उसी आईडी से दोबारा। ठीक है जी, तो लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेट कर लेते हैं कि लॉगिन हो जाए। यहाँ पर अब हम अपडेट नेम कर लेंगे और गो टू न्यूज़ फीड कर लेंगे। ठीक है जी, और जो ही हम गो टू न्यूज़ फीड कर लें तो हमारा जो नेम है वो इनविजिबल बन चुका होगा, सिर्फ निक नेम ब्रैकेट में रह गया होगा, उसे भी हम रिमूव कर लेंगे। तो आ जाते हैं अपने प्रोफाइल पर, यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारा निक नेम ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी जो पब्लिक डिटेल है वो हम एडिट करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे और उसके बाद एडिट अबाउट इन्फो पर आ जाएंगे और यहाँ से हम इस निक नेम को रिमूव कर लेंगे। तो ये वेट कर लेते हैं कि लोड हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ से हम निक नेम को रिमूव कर लेंगे जो कि अब्बास खान ब्रैकेट में लगा हुआ है। तो इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके रिमूव कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। और अब हम जब बैक चले जाएं तो ऑलरेडी इनविजिबल नेम पर बन गया है और ये निक नेम भी रिमूव हो गए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा जो नेम है वो इनविजिबल नेम बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप फ्यूचर में इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिस ना कर सकें। फ्रेंड ये थी आज की वीडियो और ये जो इनविजिबल नेम है ये हर जगह पर होगा, ऑफिशियल ऐप पर, फेसबुक लाइव पर और ब्राउजर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Take care. Allah Hafiz.